इस गली को बनाने के लिए हमने ये बुकरम ले लिया है। इस बुकरम की जो लंबाई ली हमने वो ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और एक निशान 1.25 इंच पे लगाएंगे, ये हमारा कॉलर का निशान होगा। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई लेंगे, तो गले की लंबाई 11.5 इंच लेंगे, तो यहाँ पर 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे 0.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस निशान को इस निशान के साथ इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट पे सेंटर का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर भी बीच में सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसी तरीके से ये हमने गले पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हम गले के बीचों बीच में सिलाई चला लेंगे, उसके बाद बुकरम के साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के। गले पे छोटा छोटा सा कट लगाने के बाद इसे इस तरीके से पीछे पलट लेंगे और पीछे पलट के इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें हम लेस को जोड़ लेंगे, इस तरीके से लेस जोड़ लेंगे इसमें। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ऊपर से कंधे की साइड से जोड़ लेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद कंधे को थोड़ा सा डाउन कर देंगे और बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा लेंगे जब कॉलर वाला गला बनाएंगे। तो इस सूट की डिटेल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। की लंबाई 32 इंच चाहिए, इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 36 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। तो ये हमने एक पट्टी कट कर ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है और लंबाई 36 इंच ली है। अब हम थोड़ा सा सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ के इस बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। तो इसे हमने पेस्ट कर लिया इस पर। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ के इसके साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे।
गले की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। ये हमने बुकरम के ऊपर कपड़ा लगा लिया है और उसके ऊपर से लेस लगा लिए। अब हमें इस तरीके से इसे गले में फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम गले की लंबाई 6.5 इंच ले रहे हैं, तो 6.5 इंच पे इसे लगाएंगे और इसके चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने इस पे 3 बटन लगा लिए हैं इस तरीके से। और ये हमारा गला बनके तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना।